बीएसएफ का ट्रक पलटा, एक जवान की मौत। लंगतला के पास गड्ढे में टायर आने से हुआ हादसा, हादसे में 13 जवान घायल। जैसलमेर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित लंगतला गांव के पास सीमा सुरक्षा बल का ट्रक पलटने से एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं हादसे में 13 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को जवाहर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ सिटी पुलिस प्रियंका कुमावत और शहर कोतवाल सत्य प्रकाश बिश्नोई भी हॉस्पिटल पहुंचे और बीएसएफ के अधिकारियों से दुर्घटना के कारणों की जानकारी ली। सीओ सिटी प्रियंका कुमावत ने बताया कि शनिवार सुबह 11:30 बजे सीमा सुरक्षा बल का ट्रक 149 बीएन बटालियन के जवानों और अधिकारी को लेकर जैसलमेर से निकला। ट्रक में करीब 16 जवान थे। लंगतला गांव के पास सड़क किनारे गड्ढों की वजह से ट्रक सड़क से पलटी खा गया। ट्रक के पलटने से उसमें सवार 13 जवान घायल हो गए और एक जवान एस के दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सागर थाना पुलिस मौके पर जाकर दुर्घटना के कारणों की जांच की। भाई कुछ क्या है मोटा मोटी मामला और क्या इसमें रहे थे? ये बीएसएफ में सेक्टर साउथ की बटालियन है 149, उनका ट्रक बॉर्डर जा रहा था तो बॉर्डर में लंगतला के पास में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें टोटल 16 बीएसएफ के अधिकारी और जवान थे, जिनमें से 13 इंजर्ड है और एक की उसमें डेथ हो गई है। बाकी जो भी घायल हैं उनका उपचार अभी राजकीय चिकित्सालय जैसलमेर में किया जा रहा है, बाकी सभी खतरे से बाहर हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। सर क्या मैम क्या बताया जा रहा है दुर्घटना का क्या कारण रहा? अभी दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चला है, इसका अभी पता लगा। सभी दर्शकों से निवेदन है कि हादसे में शहीद हुए जवान को कमेंट बॉक्स में श्रद्धांजलि जरूर दें।